नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ने दो दिन पहले संसद में गोडसे को लेकर दिए बयान पर आज संसद में आज सफाई दी है। लोकसभा में सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे बयान से अगर किसी को ठेस पहुंची तो खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि संसद में दिए गए मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, यह निंदनीय है। मैं सदन को यह ध्यान दिलाना चाहती हूं कि इसी सदन के एक सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक रूप से आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्र के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकी कहना अपराध है। यह एक महिला सांसद और सन्यासी को अपमान करने का प्रयास है। तत्कालीन सरकार द्वारा मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना दी गई है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोडसे वाले बयान पर साध्वी प्रज्ञा पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें आतंकवादी तक कह दिया था। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि आतंकवादी प्रज्ञा आतंकी गोडसे को देशभक्त कहती हैं। यह भारत की संसद के इतिहास में एक दुखद दिन है। नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताकर विवादों में आई बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने संसद में माफी मांग ली है। साध्वी ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूं। मैं महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन के सम्मान अर्पित करती हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बिना नाम लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि एक सदस्य ने मुझे आतंकी कहा है, कोर्ट में मेरे खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, इसके बावजूद मुझे आतंकी कहना गैर कानूनी है। यह एक महिला, एक सन्यासी, एक सांसद का अपमान है। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि सदन ने एक सांसद ने मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने के बावजूद कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, बिना आरोप सिद्ध हुए ही मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। एक महिला के नाते, एक सन्यासी के नाते, एक सांसद के नाते यह मेरे सम्मान पर हमला है, मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर हमला बोलते हुए ट्विटर पर लिखा था कि आतंकी प्रज्ञा ने आतंकी गोडसे को देशभक्त बताया। भारत की संसद के इतिहास में यह एक दुखद दिन है। इससे पहले राहुल ने कहा था, मैं उस महिला के बारे में नहीं बोलना चाहता, यह आरएसएस को बीजेपी की आत्मा में है, वह कहीं ना कहीं से निकलेगा। मैं अपना समय खराब नहीं करना चाहता, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सांसद में देशभक्त बताने वाली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ बीजेपी बड़ी कार्यवाही कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से निकाला जा सकता है। इससे पहले प्रज्ञा को रक्षा मंत्रालय की संसदीय कमेटी से बाहर कर दिया गया है। कल संसद में प्रज्ञा ठाकुर के बयान के बाद बीजेपी पूरी तरह से घिर गई है। विपक्ष ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर दिया है। देखिए आप भी संसद में क्या हंगामा हुआ। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मुझे द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2019 को की विशेष तारीख के मामले संबंधित सूचना प्राप्त स्थिति में विचार दिन है। आप सुने, आप बोले आशा थी, हमारी आशा था कि जब सदन की गरिमा की सवाल है तब जरूर कुछ ऐसा कर। आपके मेंबर बिठाओ, जब बोलोगे ना आपके मेंबर को बिठाओ, आप बिठाओ पहले, आप मेंबर को बिठाओ ना पहले, मेंबर को बिठाओ, उनको सदन को ऑर्डर में आने दो, फिर बोलो, ऐसे तो नहीं लगता है। आप माने सर, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, सदन को ऑर्डर में आने दीजिए। मैं स्पष्ट रूप से माफी, इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए सर। सर हमें बोलना है, जो मर्जी बोलने का नहीं होगा सर, आप जो मर्जी बोलने का नहीं होगा सर। सर उन्होंने माफी मांगी है, उनका उन एक मिनट, उन एक मिनट, एक मिनट, नो यू हैव टू लिसन टू मी, आप तो सुन लीजिए पहले। माफी मांगना चाहिए, ये हाउ
उसको गुमराह कर रहे हैं। मांगी है, अध्यक्ष जी उनकी बात कुछ अधूरी रह गई है, उसमें वो माफी वाला विषय है, थोड़ा अलाउ कर दूंगा। पहले होनी चाहिए ना, आप घूमने का शुरू कर महोदय, बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूं। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूं, परंतु सुनिए, परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूं कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है वो निंदनीय है। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूँ। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। कोई आरोप सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी बताना एक महिला के नाते, एक सन्यासी के नाते, एक सांसद के नाते मेरे सम्मान पर हमला करके मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया है। एक महिला होते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा षड्यंत्र रचकर शारीरिक मानसिक रूप से मुझे बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूं। महोदय, बीते घटनाक्रम JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।